मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब गो तस्करी संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने तस्करी को अवैध परिवहन पर सख्त सजा का प्रावधान किया है। अवैध परिवहन पर 7 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। स्तर पर जिम्मेदारी तय की गई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि अवैध गोवंश का परिवहन छत्तीसगढ़ में यदि कोई करता है तो 7 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। गैर जमानती होगा। इसी के साथ सिद्ध करना होगा कि गौ तस्करी नहीं की जा रही है। बिना अधिकारी आपत्ति के बिना गौवंश परिवहन नहीं किया जा सकेगा। हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जिनकी डिटेल्स लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। अवैध परिवहन करने वाले के साथ ही गाड़ी वाले पर भी कार्रवाई होगी। इसमें यदि पुलिस सम्मिलित पाई गई तो पुलिस पर भी कार्रवाई होगी।